अलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, तो ये देखें भिंडियाँ बना रही हूँ। भिंडियाँ मैंने कर ली हैं फ्राई, ये देखें भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं, प्याज फ्राई हो रही है। तो मैंने कहा खाना बना लूँ और साथ साथ अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और मेरे हस्बैंड खा रहे थे आड़ू और अभी खा कर आए, ये देखें आड़ू खा कर आए हैं। तो अभी प्याज फ्राई हो रही है, प्याज में टाइम लगना है क्योंकि प्याज जो है गीली है, यानी कि अगर दूसरी होती जो खुशक प्याज होती है वो होती तो जल्दी फ्राई हो जाती, लेकिन गीली प्याज है इसलिए इसमें टाइम लगना है फ्राई होने में। और मेरे बेटे को लग रही है भूख और नवासी मेरी जो है सो गई है फीडर लेकर, उसे भी भूख लग रही थी मगर वो आजकल खाना नहीं खा रही, कमज़ोर होती जा रही है, खाना नहीं खा रही है और बस फीडर पे रहती है या चीज़ों पे रहती है, बस यही खाती है। तो ये देखें वो सो गई है, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। और मेरा जो बेटा है उसको भी भूख लग रही थी, ये खा रहा है चावल और साथ साथ इसकी आंखों से पानी बह रहा है, पता नहीं क्यों शायद रोना आ रहा है भूख की वजह से। क्योंकि हालांकि नाश्ता हम लोगों ने देर से किया था, संडे है, देर से नाश्ता किया और फिर भी इसको इतनी तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलें खाना बना लेती हूँ। खाना बना कर मैं जो हूँ सोच रही हूँ कपड़े कटिंग कर लूँ। आज मैंने मशीन नहीं लगाई, मेरा दिल नहीं कर रहा था आज मशीन लगाने का, तो मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा चलें बेटे का यूनिफॉर्म है तो मैं हाथ से धो लूँगी, उसे मैंने सर्फ़ में डिप कर दिया है और फिर उसको मैं खाना बनाकर फिर उसको धो लूँगी। और जो मेरे मियाँ हैं उनसे अकेले खाना नहीं खाया जाता, वो बस बोलते हैं कि जो मैं खा रहा हूँ मेरे साथ ही खाना खाए। तो देखिए मुझे यहाँ पर चावल दे गए हैं कि आप खाएं। पुलाव है उनसे नहीं खाया जा रहा। अब मेरी बेटी ज़रा प्याज फ्राई करने लग गई है, मैं कहा चले मैं चावल खा लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि हम इस टाइम खाना वाना खा लेते हैं और मेरा बेटा जब स्कूल जाता है तो वो लंच लेकर जाता है अपना टिफ़न। कितने दिन से माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा था मगर आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, तो थोड़ी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है। हाँ जी, इसने खाना है पुलाव, बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं, पुलाव रह गया है क्योंकि कल बनाया था हमने, तो बोटियाँ की ख़त्म हो गई हैं, पुलाव रह गया। मैंने कहा चले खा लें, भूख लग रही है, थोड़ा थोड़ा सहारा होगा, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो सहारा हो जाएगा पेट में थोड़ा। वो देखे मैंने टप में कपड़े यूनिफॉर्म जो अपने बेटे का भिगो के डाला है सर्फ में, सफाई तो आज हमारी माशाल्लाह सुबह ही हो गई थी, मेरी बेटी ने फर्ज धोया है, मैंने किचन वचन समेटा, किचन के बर्तन वगैरह धोए हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो गया था। और उसके पापा ने वैपर लगाया है, गर्मी हो रही है, पानी दे दो मुझे। पंखे के बगैर नहीं रहा जाता, पंखा चला लेते हैं। पापा कहाँ पे, जब हम काम में लगे हुए होते हैं तो नवासी सोती नहीं है, जब फारिग होते हैं तो उसे नींद आ जाती है। इलिया हाथ में दर्द है तो मोबाइल भी नहीं पकड़ा जाता, तो मैं कभी सास से कभी सास से मोबाइल पकड़ लेती हूँ फिर ब्लॉग बनाती हूँ। और कहानी मैंने अपनी स्टार्ट तो करनी है लेकिन ना दुखी है कहानी आगे,
बहुत यानी कि टेंशन है, बहुत मरहले ऐसे आ रहे हैं कि बहुत दुखी कहानी आगे चलनी है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को क्यों अपनी कहानी सुना कर रुआ हूँ, इसलिए बस मेरा दिल नहीं किया, मैंने अपनी कहानी आप लोगों को नहीं बताई कि जाहिर है मेरी कहानी थोड़ी दुखी है, तो फिर आप लोग भी दुखी हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। वैसे तो कहानी मेरी ऐसी है कि अगर आप लिखें तो ये ड्रामे के तौर पर बहुत फेमस हो जाएगी, जैसे दुनिया में हो रहा है, ड्रामों में हो रहा है, आप लोग जैसे देख रहे हैं या टीवी वाले जैसे दिखा रहे हैं। बहुत दर्द भरी कहानी है मेरी बीच में, और फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। बस मैंने सोचा क्या फ़ायदा आप लोगों को टेंशन देने के लिए, तो इसलिए अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह, खुशियों भरे। और क्योंकि आजकल तो दुनिया में वैसी बहुत टेंशन है, बहुत परेशानियाँ हैं, आवाम बहुत परेशान है, और ज़्यादा मैं अपनी कहानी सुनाऊँ तो फ़ायदा कोई नहीं है कि आप भी परेशान हो जाओगे। हाँ, अगर अच्छी होती, खुशियों भरी होती तो मैं ज़रूर अपनी कहानी आपसे शेयर करती, लेकिन वो खुशियों वाली भी है बीच में और टेंशन वाली भी है। ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी टेंशनों में गुजरी है, दर्दों में गुजरी है, परेशानियों में गुजरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करम है कि बच्ची है, अल्लाह ज़िंदगी रखे सबकी, बहन भाइयों की और बच्चों की हमारे, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, अच्छी ज़िंदगी दे, खुशियों वाली। तो इसलिए अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, कुछ गुजर गई है, जो है अल्लाह इंशाल्लाह करे, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे कि ये भी गुजर जाएगी। चावल ठंडे हो जाएंगे अगर मैं थोड़ी देर इनको इस तरह छोड़ दूंगी तो। चावल खाती हूँ या रोटी वगैरह खाती हूँ, क्योंकि ये देखें गला मेरे फूला हुआ है, गला गले में गिल्लड़ है, हट जाते हैं, इसलिए मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है जी। अब मेरी बेटी की हो गई होगी प्याज फ्राई, तो मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ जी, मैं हरी मिर्च डालो, टमाटर डालो, वो भी साथ फ्राई हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी का फेस नहीं ला दी क्योंकि इसके हस्बैंड की इजाज़त नहीं है, शादीशुदा बच्चियां हों तो फिर कुछ और बात होती है। अवध और चौक कुंवारी हैं, उनको नहीं लाना चाहिए क्योंकि जाहिर उनकी शादियां होनी होती है और किसी ससुराल वालों को पसंद होता है और किसी को नहीं होता, इसलिए नहीं लाएं फेस के साथ, क्योंकि ये ज़ाहिर आवाम देख रही होती है। हमारा तो कोई नहीं, ज़ाहिर उम्र गुजर गई है। ज़्यादा डाला करो ये ना, अभी ये क्यों डाल रही हो, तुम्हारे रिमिट से डाल दी, उन्हें पहले थोड़ा सा फुला दो, फिर डाल। तो इसलिए ना मुझे एक वाइट चावलों की लेती हूँ या एक गुड़ की लेती हूँ तो पानी पीना पड़ता है, फिर ये नीचे उतरता है, क्योंकि अब गला मुझे बहुत तंग कर रहा है, अक्सर मेरा खाना हट जाता है गले में, तो बहुत परेशानी होती है जब मैं पानी पीती हूँ तो पानी भी नीचे नहीं उतरता गले से। तो अल्लाह पाक से दुआ करें मेरा गला ठीक हो, अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन इसका हो जाए, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होती ना मेरी, इसलिए पहले भी मैं हॉस्पिटल रहकर आई हूँ, लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल है, आपको मालूम होगा, तो मैं वहाँ रहकर आई हूँ, तो ऑपरेशन मेरा नहीं हुआ था। उन लोगों ने बोला कि आप चली जाए, 5-6 दिन मैं हॉस्पिटल में थी, फिर मैं अपने घर आ गई थी, तब मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई थी। तो लेकिन अब ये गला मुझे ज़्यादा तंग कर रहा है, मेरा बेटा भी ब्लॉग बनाता है, आप ब्लॉग देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ज़्यादा से ज़्यादा,
आपकी हेल्प ही हमें कामयाब कर सकती है, ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ। और जो गरीब हैं थोड़े अमीर हो जाएं, जो अमीर हैं अल्लाह के वो और अमीर हो जाएं, लेकिन हम सबका ही है, सबकी हेल्प किया करें, सबको सपोर्ट करें। आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सब कामयाब हो जाएंगे और अल्लाह बेहतर करे आप लोगों की भी ज़िंदगी रखे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।